आर स्टूडेंट गौरव सर चंद्रा इंस्टीट्यूट से आप सभी का वेलकम करता हूँ। और दोस्तों हम लोग आपका जो एआरओ का पेपर होने वाला है हाईकोर्ट का, उसकी तैयारी के लिए एक नया बैच आपका लॉन्च करने चल रहे हैं, जिसमें कि मैं सौरभ सर आपको रीजनिंग का पोर्शन देखूंगा, ठीक है ना। आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है सिलेबस में वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आज मैं कुछ आपके सामने ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, पिछले बार के पेपरों में। जैसे मैंने आपके उन प्रश्नों में से एक टॉपिक उठाया है आज, जिसका एक थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं आपको देने वाला हूँ, और इस ब्रीफिंग को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक उठाया है सीरीज, इससे आपके हर पेपर में दो सवाल तीन सवाल जरूर रहते हैं। और उस टॉपिक के कुछ सवाल जो पिछले साल के पेपरों में थे, ठीक है ना दोस्तों, वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने दे रखा है, ठीक है। और अपने को मैं यहीं से सॉल्यूशन शुरू करूंगा, और साथ में ही इस वीडियो में आपको एक छोटी सी झलक देने चल रहा हूं कि बड़ी से बड़ी सीरीज आप देख के कैसे पहचानोगे कि मेरे को क्या करना है। एक मतलब सीधे अपने पॉइंट पर आना है और हमको पता करना है कि ये सीरीज कौन सी है। नॉर्मली सीरीज 6 या 7 टाइप की होती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहे हैं भाई, एक ऐसा तरीका बताने चल रहा हूं यहां पर मैं आपको कि आप देखते ही समझ जाओगे कि मेरे को कौन सी सीरीज लगानी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इस तरह से मैं इस टॉपिक को, जो कि नॉर्मली कोई भी यही कहता है कि भैया सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, बिना किए जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपको इसका भी एक ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं कि आप देखते ही समझ जाओगे कि उन 6 या 7 श्रेणियों में से मैं कौन सी श्रेणी यहां अप्लाई कर दूं, ठीक है ना। आपको ऐसा तरीका इस मेथड में, इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं कि जिससे आप सीरीज को देखते ही सेट कर लोगे दिमाग कि मेरे को क्या चेक करना है और जवाब तुरंत सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ज्यादा नहीं, मैं शुरुआत करने चल रहा हूँ टॉपिक के बारे में। छोटा सा एक सवाल है, देखो ये सवाल पिछले साल के पेपरों में रहा है एआरओ में। जैसे देखिए, एक सीरीज आपके सामने दिख रही है, ये सीरीज में से मैंने आपका नंबर सीरीज का टॉपिक उठाया है आज, और नंबर सीरीज पे थोड़ी बहुत बात मैं करूंगा आप लोगों से। 1-2 सवाल मैंने उसी का लिया हुआ है और हम लोग उसी पर काम करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है आपके सामने, देखिए 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9 पूछा गया है, अगले 2 पद बता दो, यही आपका क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अपने को इसी पर काम करना है और बताना है अगला 2 पद क्या होगा, यही आपका प्रश्न, ठीक है। तो देखो, हम लोग जब नंबर सीरीज को पढ़ते हैं तो दोस्तों नंबर सीरीज में लगभग शुरुआत जो की जाती है वो समांतर से होती है, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल सीरीज। ध्यान रखना, चलो थोड़ा सा मैं एक ब्रीफिंग लेता हूं साइड में। अगर बात करें नंबर सीरीज की, दरअसल सीरीज में कई सारे हिस्से हैं, जिनमें से आप सबसे पहले मैं आपको एक बताने चल रहा हूं, एक झलक देने चल रहा हूं नंबर सीरीज की। सीरीज होने के लिए नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जिनमें से मैं नंबर सीरीज पे बात करने चल रहा हूं, नंबर सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं कई श्रेणियों, जिनमें से एक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल सीरीज, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो टाइप है इसका वो होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अगला तीसरा टाइप है अभाज्य संख्याओं की श्रेणियां, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। ध्यान से सुनते चलिएगा, इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हिंट देने वाला हूं जहां से आप तुरंत सीरीज को पकड़ सकते हो कि कौन सी सीरीज चल रही है। अब तक मैंने आपको 3 नाम बताए, पैरेलल सीरीज यानी समांतर श्रेणी, मल्टीपल सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी सीरीज है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर सीरीज, और चौथा है वर्ग या घन पर आधारित श्रेणी, वर्ग या घन पर आधारित श्रेणी, और इसके अलावा पड़ेगा यौगिक श्रेणी,
और लास्ट है मिश्रित श्रेणी। ध्यान देना दोस्तों, ये टोटल 6 टाइप की श्रेणियां तो अकेले आपके नंबर सीरीज में आती है, ठीक है ना। अगर टोटल सीरीज की बात कर ली जाए तो पूरी सीरीज अगर मिला दोगे तो नियर अबाउट 8 से 10 टाइप की सीरीज आपको पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात जो हमारे दिमाग को तुरंत पहुंचनी चाहिए वो ये है कि सवाल को देख के हम कैसे समझें कि इनमें से कौन सी श्रेणी है। ध्यान देना कि सवाल को देखते ही अगर आपके दिमाग में ये हिंट हो जाए कि यार ये तो यही श्रेणी है तो आपका काम आसान है, तब आप जान लो कि सीरीज को टाइम से कर सकते हो। और मैं एक एक करके आपको इनका हिंट देने वाला हूं। ध्यान रखना, बात करें समांतर की, तो समांतर का पूरा नाम जो है, थोड़ा सा देखो मैं कुछ जगहों को इसी में यूज कर रहा हूं, बाद में मैं साफ कर दूंगा इनको। अगर मैं बात करूं समांतर की तो देखो, समांतर को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूं समझाने के लिए, और ये लिखने का तरीका कुछ यहां है। देखिए आपके सामने समान धन अंतर, मतलब जब श्रेणी जो बढ़ रही है उसके बढ़ने या घटने का अंतर समान होता है तो वो होती है समांतर श्रेणी। कहने का सेंस ये है भाई कि देखो एक चीज ध्यान रखो कि अगर श्रेणी को देख रहे हो और वो श्रेणी आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो जान लेना कि आपको एक बार समांतर को तो चेक करना है। लेकिन समांतर कब चेक करोगे, क्योंकि ध्यान देना समांतर श्रेणी में आप प्लस का या माइनस का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर इन्हीं दो चिन्हों पर काम होता है, या तो प्लस और या तो माइनस, यही दो चिन्ह ऐसे हैं जिन पर आपको काम करना है। कहने का मतलब इनमें कोई बराबर संख्या या तो जुड़ेगी और या तो बराबर कोई संख्या घटती है। जैसे देखो यहां पर भी बराबर हमको बढ़ता हुआ क्रम तो दिख रहा था, देखो दो से एक बढ़ा तीन हुआ, तीन से एक बढ़ा चार हुआ, चार से एक बढ़ा पांच हुआ, यहां तक सब में एक एक बढ़ा है। लेकिन अब यहां से देखो तो यहां आठ हो गया, मतलब अब तक सब बढ़ता जा रहा था लेकिन अब अचानक घट गया, तो भैया ये समांतर तो नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ेगा और घट रहा है तो लगातार घटेगा, ये पहचान है समांतर की। जैसे नीचे देखो ये क्वेश्चन, ये दूसरा प्रश्न देखिए अपना, ये जो मैंने दूसरा प्रश्न यहाँ लिख रखा है ये एक साल आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ देखिए ये सीरीज लगातार घट रही है और घटने का अंतर देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो 23 से 30, मतलब 30 से 23 हुआ तो 700 के आसपास का अंतर है। ध्यान से देखो 30 से ये 23 हो गया, लगभग 700 का अंतर है, और 23 से देखो 1500 के आसपास हो रहा है, लगभग ये भी 750-800 का अंतर है। तो हम लोगों को देखो घटने का क्रम जरूर है लेकिन अंतर एक लेवल पर दिख रहा है, तो ये जान लेना, देखते ही ये बात पहचान लीजिएगा कि ये कौन सी श्रेणी जा रही है। समांतर बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट इनका अंतर निकालना शुरू करो, मतलब यहां से यहां का अंतर निकालो। अंतर का मतलब ये कि इनके बीच के अंतर पर काम करिए। अंतर निकलेगा कैसे, तो एक से दूसरे वाले को घटा दो, तो तुरंत इनसे इनको घटाओ, तो देखो यहां से 12 में से 4 जाएंगे मिलेगा 8, यहां पर 7 था बचेगा 6, यहां 0 है, यहां से एक हासिल गया, 9 में से 3 गए आपके, ठीक है, तो 10 में से 3 गए, हो गए 7, और देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए। कहने का सेंस ये हुआ यहां से ये नंबर माइनस हुआ है। अब देखो अगर आगे देखा जाए इसी को, तो आगे चेक करें, अब यही काम आगे देखो, इनको घटाओ, तो देखो इनको अगर घटाओगे तो आपको मिलेगा 4 में से 4 गए तो 0, 10 में से 4 गए तो 6, और 12 में से 5 गए तो 7, ये हो गया इधर का अंतर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों
क्योंकि हम लोग एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो यहाँ तक का लेवल तो SSC वगैरह के छोटे एग्जामों में भी होता है, लेकिन जब बड़े एग्जामों में बैठते हो, बड़े पेपरों में बैठते हो, तो थोड़ा सा लेवल टफ किया जाता है। और देखो यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ 768 आया है, यहाँ 760 आया है, तो कोई भी देख के कहेगा जो हम लोग कह रहे हैं समान अंतर, देखो यहाँ अंतर समान नहीं है, अंतर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तुरंत एक स्टेप और नीचे जाओ और देखो यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है, 8 का। तो अब ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ेगी, तो पहले हम लोग 760 में से 8 घटाएंगे और उसको इसके लेवल पर लिखेंगे, तो 760 में से 8 घटा दो तो कितने हो गए, 752। अब अगले पद में से यानी कि यहाँ से 752 को माइनस कर दो, तो देखो अगर इसको घटा दिया जाए तो 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 5 घटाना है तो बगल से एक हासिल लिया, 14 में से 5 गए तो बच गया 9, और देखो यहाँ से चूंकि एक हासिल दिया जा चुका है तो यहाँ 1400 है तो हो गया 792, और यही अपना सही जवाब है इसका कि भैया ये जो है इसका अगला पद होगा 792। बात समझाया कहने का, तो ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहाँ सीरीज हमको घटते हुए दिख रही थी और घटने का अंतर लगभग आस पास का है, तो हम पहले चेक कर रहे हैं तुरंत समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी श्रेणी जो देखिए वहां लिखी हुई है वो है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब यहां पर श्रेणियां गुणे के रूप में आगे बढ़ती हैं। कहने का मतलब है देखो गुणोत्तर ये लिखा हुआ है, गुणोत्तर को हम लोग लिख सकते हैं गुणा प्लस उत्तर, मतलब गुणे के रूप में उत्तर होना यानी आगे बढ़ना, यही है गुणोत्तर। और गुणा का रूप क्या है, तो भैया गुणा का रूप होता है इनटू और या तो डिवाइड। ध्यान रखिएगा हम लोग जो कहते हैं चार गुना, चार गुना का मतलब उसमें चार से गुणा कर दो, हमने कहा पांच गुना तो पांच गुना ज्यादा तो यानी उसमें जो भी है उसमें पांच का गुणा कर दो, तो गुना का मतलब या तो मल्टीप्लाई और या तो उसका डिवाइड। तो ध्यान देना ये श्रेणियां भी जो हमारी दूसरी श्रेणी है गुणोत्तर, ये यूज करती है इनटू को और डिवाइड को। और दोस्तों एक चीज आप जानते होंगे, अगर हम लोग इनटू के रूप में आगे बढ़ना शुरू करें गुणे के रूप में, यानी कि एक दो से गुणा करो, तीन से गुणा करो, चार से गुणा करो, तो बेटा वहां जो अंतर होगा बढ़ने का वो काफी बड़ा अंतर होगा। जैसे दो में दो का गुणा किए तो चार हो गया, चार में दो का गुणा किए तो आठ हो गया, आठ में दो का गुणा किए तो 16 हो गया, 16 में दो का गुणा करोगे तो 32। तो लगातार टर्म क्या होगा, बढ़ेगा जरूर लेकिन बढ़ने का अंतर बहुत ज्यादा होता जाएगा, लगातार ये बढ़ता जाएगा। तो वो बताएगा, ध्यान रखना कि अगर लिखी गई सीरीज में बढ़ने या घटने का अंतर काफी बड़ा होता जाए और वो लगातार बढ़ता जाए या फिर लगातार घटता जाए तो वो होती है गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा कि बढ़ना घटना यहाँ भी है लेकिन हम प्लस माइनस के रूप में आगे बढ़ेंगे तो एक लिमिट होती है कि हम अगर 700 जोड़ रहे हैं तो अगले में 800 जोड़ पाएंगे, अगले में 900 जोड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर गुणा करना होगा तो जहां 100 का गुणा हुआ अगले में 200 हो जाएगा, अगले में 400 हो जाएगा, उसके बाद 800 हो जाएगा, फिर 1600, मतलब लगातार वो नंबर डबल 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 बढ़ता चला जाएगा, कम से कम डबल होगा, क्योंकि गुणे में बार बार एक का गुणा तो होगा नहीं, दो से गुणा करोगे, तीन से गुणा करोगे, चार से गुणा करोगे, तो जितना उसको गुणा करोगे वो नंबर उतना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणियों की पहचान यही है कि यहाँ श्रेणियां आगे बढ़ती जरूर हैं लेकिन बढ़ने का अंतर लगातार बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखना, यही अंतर है गुणोत्तर और समांतर में कि गुणोत्तर भी बढ़ती है समांतर भी बढ़ती है, लेकिन समांतर का अंतर लगभग समान होता है लेकिन गुणोत्तर का अंतर लगातार बढ़ता जाता है और वो बड़ा से बड़ा होता चला जाता है। तो ध्यान देना यही पहचान है गुणोत्तर की कि अगर सीरीज सामने लिखी है और वो लगातार बढ़ती जाए तो जान लेना कि उसके बढ़ने का क्रम अगर बड़ा होता जा रहा है तो वहां पर गुणोत्तर श्रेणी आने वाली है या गुणोत्तर श्रेणी ही है। तो पहले गुणा
और घट रही है तो डिवाइड, इसको चेक कर लो। अगर ये चीज समझ में आ गया तो यही सही जवाब होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा जवाब उसका नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा, ये है अभाज्य। अभाज्य श्रेणी जो है, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं हम लोग मैथ में खूब पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। अभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वो हैं जो केवल खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उन नंबरों का यूज होगा, उन नंबरों को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा जो प्राइम नंबर हो। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से करके और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। हम इस श्रेणी में, तीसरी वाली श्रेणी में अपने या तो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं, या तो अभाज्य संख्याओं का गुणा और भाग करते हैं। ध्यान रखना, पूरी श्रेणी में दोनों, ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये दोनों श्रेणियां, हम लोग इस पर टॉपिक पे बात करेंगे जब पढ़ा जाएगा इसको, तो ये दोनों श्रेणियां पूरी इन श्रेणियों का बेस है। अगर ये दोनों श्रेणियां हटा दी जाए तो कोई श्रेणी तैयार नहीं हो सकती, ध्यान रखना। और अभाज्य संख्याओं में बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर कोई नंबर जोड़ा या घटाया जाएगा, गुणा या भाग किया जाएगा, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा। बस यही अंतर है प्राइम का, कि जब आप अंतर निकालोगे तो अंतर निकालते समय में आपको वहां प्राइम नंबर का रोल दिखेगा। तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ केवल प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। प्राइम नंबर यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब नंबर। ध्यान देना कि अगर इनका रोल दिखे तो समझ जाना कि ये सब के सब एक प्राइम नंबर पर आधारित सीरीज है। अब आते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी तीसरी सीरीज पर, और तीसरी सीरीज कहती है वर्ग या घन पर आधारित श्रेणियां, कहा जाए तो स्क्वायर या क्यूब पर आधारित श्रेणी, यानी कि घन या वर्ग पर आधारित श्रेणियां। तो देखो दोस्तों, श्रेणी है तो वो बढ़ेगी या घटेगी, ये जान लेना। जैसे हमारे घर में सीढ़ियां बनती हैं तो वो भी एक श्रेणी है, क्योंकि सीढ़ी का हर स्टेप एक बराबर गैप पर होता है। तो ध्यान देना, श्रेणी का नाम अगर जुड़ गया तो श्रेणी का काम ही है आगे बढ़ना, बस अंतर इतना है कि अंतर बढ़ने का अलग अलग होता है। तो यहाँ वर्ग और घन जो है ये बस इतना कहता है कि भैया श्रेणी बढ़ेगी जरूर या घटेगी जरूर, लेकिन या तो वर्ग के रूप में और या तो घन के रूप में, यानी या तो स्क्वायर होगा और या तो क्यूब होगा। यानी बढ़ने में या तो हम लोग 4 यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे, 16 यूज करेंगे, 25 यूज करेंगे, जो कि नंबरों के स्क्वायर्स हैं, या फिर हम लोग क्यूब का यूज करेंगे और उसी में बढ़ेंगे भी और उसी में घटेंगे भी, गुणा भी इन्हीं से करेंगे, डिवाइड भी इन्हीं से करेंगे, मतलब जो भी होगा वो केवल और केवल वर्ग और घन पर होगा। ध्यान देना, यही है अपनी चौथी श्रेणी। अब बात करता हूं मैं अपनी इस श्रेणी के बारे में जो सबसे जरूरी है कंपटीशन के हिसाब से, और ये है हमारी यौगिक श्रेणी। ध्यान देना दोस्तों, यौगिक श्रेणी जिसको मैं लिख के दिखा रहा हूं, समझिए इस बात को ध्यान से, आप सब लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, यौगिक केमिस्ट्री में यौगिक की डेफिनेशन है जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ समान अनुपात में मिलाया जाए तो वो यौगिक कहलाते हैं। ये केमिस्ट्री में इसकी परिभाषा है, ध्यान देना। When two types of elements are mixed together in an equal amount, then it will be called a compound. इसका फुल नेम है compound, ध्यान देना। तो यौगिक जैसे वहां इसकी डेफिनेशन है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ भी है। यहाँ यौगिक तो है लेकिन साथ में क्या जुड़ गया है, श्रेणी, ठीक है। तो ध्यान देना, जब दो श्रेणियों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो बन जाती हैं यौगिक श्रेणियां, ठीक है। जब दो श्रेणियां एक साथ मिल जाएं तो वो बन जाती है यौगिक श्रेणी, और यौगिक श्रेणियां एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली श्रेणियां हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो जान लेना 10 से 9 पेपरों में अधिकतर यौगिक श्रेणी ही आती है, ठीक है। उसका कारण ये है,
अगर आपने यौगिक श्रेणी को लगाना सीख लिया कि ये श्रेणी इन्हीं का रूप होती है, ठीक है, इन्हीं को मिला दोगे तो यौगिक तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी पहचान, यही इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर यौगिक श्रेणी को देख के पहचानना चाहते हो तो इसकी पहली पहचान, इसकी पहली पहचान कहती है कि श्रेणी में कोई एक नंबर, कोई एक संख्या दो या दो से अधिक बार दिखेगी, दो या दो से अधिक बार दिखाई देगी। ये ध्यान देना, ये इसकी पहली पहचान है कि इस श्रेणी को अगर पहचानना है तो बस ध्यान से दी गई श्रेणी को पढ़िए, अगर उसमें कोई नंबर रिपीट हो गया तो तुरंत जान जाना कि वो यौगिक श्रेणी है और तुरंत उसको यौगिक श्रेणी के रूप में चेक करना, यानी कि मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे इनको मिलाया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान है, यह श्रेणी अचानक बढ़ती है, अचानक बढ़ती है और अचानक घटती है। ध्यान रखिएगा, यह श्रेणी अचानक बढ़ती है और अचानक घटती है। कहने का सेंस कि ये श्रेणी अचानक, मान लो चलती जा रही है, चलती जा रही है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, और अचानक जाकर के ये कहीं प्लस फोर हो जाएगी और फिर अगला नंबर फिर छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ भी किसी श्रेणी में दिख जाए, इन दोनों में से कुछ भी, मतलब पहला है श्रेणी में कोई एक संख्या दो या दो से अधिक बार दिख जाए, मतलब कोई नंबर रिपीट हो जाए, सीधे सीधे कहें तो कोई भी नंबर अगर रिपीट हो गया तो तुरंत जान लेना कि वहां 90% चांस है यौगिक श्रेणी के होने का। और अगर ऐसा हो जाए कि यह श्रेणी बढ़ते बढ़ते अचानक क्या हो जाए, घट जाए, फिर अचानक घटते घटते फिर बढ़ जाए, तो ये हमेशा केवल और केवल यौगिक में हो सकता है और किसी श्रेणी में ये चीज अलाउ नहीं है। देखिए इसका एक एग्जांपल आपके पिछले साल के पेपर का सवाल है, देखिए ये लिखा हुआ है सामने, देखो दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, चार से पांच हुआ, लेकिन पांच से सीधे कितना हो गया, देखो आठ हो गया। यहां तक ये श्रेणी एक एक बढ़ रही थी, अब देखो ये कितना बढ़ गई, तीन। अगला पद देखो, फिर ये छोटी हो गई, फिर अगला पद देखो, फिर ये बड़ी हो गई, फिर अगला पद देखो, फिर ये छोटी हो गई। अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो देखो ये नंबर्स लगातार बढ़ते 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 यहां तक तो बढ़े, यहां से ये श्रेणी घट गई, फिर देखो बढ़ गई, फिर घट गई। तो ये इन श्रेणियों की पहचान है कि अगर किसी श्रेणी को मिले सवाल, कभी भी श्रेणी का सवाल मिले, तो पहले एक बार देखो उस श्रेणी को, और देखते समय अगर ये बातें दिमाग में घूम गई, टाइम पर क्लिक हो गई, तो श्रेणी देखते ही समझ में आ जाएगी कि मेरे को क्या करना है। और आप लोगों का एक ऐसा लेवल है जहां पर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप चीजों को रिकॉल जल्दी करोगे, क्योंकि आपका लेवल ग्रेजुएशन, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा इन चीजों को बहुत जल्दी रिकॉल करता है, ये ध्यान देना। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ यौगिक श्रेणियां कैसे मिलाई जाती हैं। हमको यहाँ दिख चुका है कि देखिए नंबर जो है दो तीन चार पांच आठ सात, देखो चार पांच तक तो ठीक था, आठ सीधे पांच से तीन बढ़ गया, अब तक एक एक बढ़ रहा था, अब तीन बढ़ गया, फिर देखो एक घट गया, फिर देखो नौ बढ़ गया, फिर देखो आठ घट गया। तो इस तरह से मतलब ये नंबर लगातार क्या हो रहे हैं, घट बढ़ रहे हैं, घट बढ़ रहे हैं। तो ये जान लेना ये यौगिक श्रेणी है। अब यौगिक श्रेणी है तो मिलाओगे कैसे, तो देखो बेटा अगला स्टेप वही है कि इनको पता कैसे करें कि अगला पद क्या होगा। जब भी ऐसा दिखे ना तो तुरंत एक काम करना कि पहले पद को इनको छोड़ के, मतलब पहले पद से उठाइए और मिलाइए दूसरे पद को, तुरंत ये काम पहले करना है। जैसे ही ये चीज दिख जाए कहीं पर यार ये तो नंबर घट बढ़ गया, तो तुरंत जान लेना कि अब इसको मत मिलाना, अब एक पद छोड़ के मिलाना, शुरुआत यहां से करना। तो देखो दो से चार हुआ है, यानी कहा जाए तो दो में दो बढ़ा दिया गया। अगला देखो, अब बस यही क्रम आगे बढ़ाए जाओ, तो दो से एक छोड़ के चार मिलाया, चार से एक छोड़ के आठ को मिलाओ, तो देखो चार से
8 हो गया है, 4 बढ़ गया। अब अगला देखो, अब इसी क्रम को लेके चलते जाओ, बस अब सीरीज समझ में आ गई होगी। देखो 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, 8 में 8 आया तो 16 जोड़ा हो गया। देखो यानी ये बार बार अपने ही नंबर को ऐड कर रहा है। तो भैया अगला नंबर चाहिए, लो भाई अब यहाँ 16 है तो हम 16 जोड़ देंगे, तो 16 16 32, तो हमारा अगला पद हो गया 32। कोई ये भी कह सकता था कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना 32, ठीक है। अब बस इसी सहारे दूसरे वाले को लेके चलना शुरू करो। देखो यहाँ पर 3 से 5 अंतर है 2 का, ठीक है। अब अगला देखो 5 से 7 अंतर है 2 का। अब देखो 7 से 9, अब देखो इनमें यही एक खासियत है कि अगर एक श्रेणी मिल गई तो सब मिल जाएगी, बस खोजना एक ही को है, और ये जितनी जल्दी दिमाग में बात ट्रिक होगी आप उतनी जल्दी इसको कैप्चर करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हो गया। अब देखो यहाँ पर +2 +2 +2, देखिए ध्यान से, ये है श्रेणी, बार बार प्लस टू हो रहा है। मैंने पहले ही शुरू में बताया था समांतर श्रेणी कि यहाँ पर कोई एक संख्या लगातार बढ़ाती जाती है या वही संख्या घटती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर +2 +2 +2 बार बार 2 जोड़ा जा रहा है, तो अगला पद भी 2 जोड़ के लिखा जाएगा, यानी 9 में +2 कर दो, ये हो जाएगा 11, और यही अपना आंसर हो गया। आगे की जो दोनों जगह हैं उनमें से एक जगह 32 की है और दूसरी जगह है 11 की। मेरे हिसाब से ये हिंट समझ में आया होगा कि सीरीज को देखो, अगर सीरीज में लगातार सीरीज बढ़ रही है तो भी समांतर को चेक कर लो, लगातार घट रही है तो भी समांतर को चेक करो, ज्यादा अंतर है तो गुणा या भाग को चेक कर लो, और अगर सीरीज ऐसी हो जहां की बढ़ते 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 अचानक नंबर बहुत ज्यादा हो गया और फिर देखो घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो जब भी ऐसा कुछ मिल जाए तो पहले यौगिक श्रेणी चेक करो, बाद में कुछ और चेक करना, ठीक है। मिश्रित श्रेणी की बात करें तो मिश्रित श्रेणी भी यौगिक के जैसी ही है, यहाँ पर भी 2 श्रेणियों को एक साथ मिलाया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसको लिखा जाता है, और उसी को कहते हैं हम लोग मिश्रित श्रेणियां, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कुछ हमारी नंबर सीरीज की श्रेणी। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ एक सवाल लिख रखा है जो पिछले साल के पेपर में रहा है, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है ना। ये कहा जाती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसका सवाल देखो क्या रहता है कि इसमें कुछ ऐसे सीरीज लिखी होती है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, इसमें बस नॉर्मली अपने को देखो कुछ नंबर हैं, कुछ अल्फाबेट हैं, कुछ चिन्ह हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट जुड़े होते हैं। तो अपना काम बस इतना है कि देखो इसने बता रखा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले, ध्यान देना, एक प्रतीक, प्रतीक का मतलब चिन्ह, और तुरंत बाद एक अक्षर है, अक्षर का मतलब अल्फाबेट। अपने को ऐसे नंबर छांट के निकालने हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जिनके की ठीक पहले एक चिन्ह हो और ठीक बाद में एक अल्फाबेट हो, यही छांटना है। जिसने छांट लिया उसका जवाब सही है। तो देखो बेटा हम लोगों को यहाँ अल्फा नंबर चाहिए, तो नंबरों की शुरुआत करो। देखो शुरू में से तो एक भी नंबर हो गया, अगल बगल चिन्ह नहीं है, यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पर नंबर है लेकिन पहले अल्फाबेट आ गया, हमको पहले चाहिए चिन्ह, कहने का मतलब सिक्वेंस ऐसे चाहिए। देखो नंबर यहाँ चाहिए कोई ना कोई साइन, और यहाँ चाहिए कोई ना कोई अल्फाबेट, ये सीक्वेंस चाहिए आपको, ठीक। ये सीक्वेंस जहाँ मिलेगा वही सही है। तो देखो जरा, तो यहाँ तो नहीं है, अब देखो यहाँ पर भी कहीं सीक्वेंस नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ देखिए, देखिए 5 के पहले एक चिन्ह है, ठीक। 5 खुद एक नंबर है और यम एक अल्फाबेट है, यानी साइन नंबर अल्फाबेट, एक क्रम तो यहाँ बन गया। देखिए एक तो ये हो गया, और चेक कर लीजिए कुछ है तो देखा जाए भाई। देखो नंबर नंबर यहाँ पर है, देखो ये नंबर रहा, देखिए 6 जो है, देखिए ध्यान से, इसके पहले डॉलर चिन्ह होता है और इसके तुरंत बाद एक अल्फाबेट, यानी एक तो ये हो गया, दो लोग हो गए। और चेक कर लो, देखो भाई एक ये जस्ट बगल में है, 3 हो गया, एक टोटल मिला के ध्यान दो तो अपने पास 3 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जो इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। क्लियर है पॉइंट, तरीका समझ में आया।
ध्यान देना, जो मैंने यौगिक श्रेणी की पहचान बताई है बेटा, अगर ये दिमाग में घूम रही है तो यौगिक श्रेणियां देखते पहचान सकते हो कंपाउंड सीरीज कौन सी, ठीक है ना। बस हिंट याद रखना, यौगिक श्रेणियों का हिंट जो मैंने बताया, ठीक है। बाकी जो हम लोग इनकी क्लासेस करेंगे तो मैं इसका कंप्लीट आपको पूरा प्रोसीजर विद एग्जांपल दिखाऊंगा। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपके पास, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को स्पेशली दी जा रही है। बेटा एक बात का ख्याल रखना कि चंद्रा इंस्टीट्यूट आपको पूरी तरह से बेहतरीन क्लास देगी। चंद्रा के नाम पे भरोसा रखो। अभी टेट का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आपके सामने है, उठा के देख लो। हर जगह केवल चंद्रा का नाम चल रहा है। कई लोगों ने यहाँ तक सोच लिया कि चंद्रा ने पेपर आउट करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो बेटा इतनी मेहनत होगी कि रियल में कोई सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। जिसको जो सोचना है सोचने दो, बस मेहनत करो साथ में हम लोगों, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर लो, ठीक है। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है आपका 8299310097। बैच में एडमिशन शुरू है बेटा, ठीक है ना। आपका बैच जो है कल से अनाउंस हो चुका है, कल से चलना शुरू हो जाएगा क्लासेस आपकी। बकायदा कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगी। आप जिन बच्चों को एडमिशन लेना है इस नंबर से संपर्क करिए। फीस बहुत मामूली रखी गई है आपकी, वो फीस बिल्कुल ही कुछ नहीं है इलाहाबाद के मार्केट के हिसाब से। पता करिए, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, और पूछ लेना, फीस बता दिया जाएगा। और देखना, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मामूली सी फीस है, वो सच्चाई है। आपका लेवल जो है, जिस लेवल की तैयारी आपको मिलने वाली है, उसके हिसाब से फीस आपकी 2000 से 2500 के बीच में। तो चलो, इतनी फीस कोई शायद एक सब्जेक्ट की नहीं लेता, और चंद्रा की टीम आपको पूरे सब्जेक्ट इतने में दे रही है। ये ध्यान रखना, चंद्रा की टीम पूरे सब्जेक्ट आपको इतने में दे रही है, साथ में पीडीएफ भी दे रही है, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा क्या लोगे यार 2000-2500 में, ठीक है ना। तो जानकारी लीजिए, पता करिए, बैच को ज्वाइन करो। बाकी क्लासेस आपको क्लासेस में मिलेगी, वीडियोस हम लोग आपको क्लास में देंगे।